तुर्बत से आपने कहा कि लॉन्ग मार्च निकला पंजबूर, पंजबूर से सूरा, खुजार, कलात, मस्तूम, कोयटा, ब्रवान है, डेरा गाजी खान में आज भी उस पर उन पर लाठीचार्ज हुए और गिरफ्तार किए गए। ये उनका मसला नहीं है, ये ना जो भी बड़ी पार्टियां हैं, ये उनका मसला इसलिए नहीं कि ये उनका खून नहीं है। जो इसको अपना खून समझते हैं वो उसके लिए एहतजाज भी करते हैं, वो धरना भी देते हैं, वो पार्लियामेंट में आवाज भी उठाते हैं। वो बलूचिस्तान में बसने वाले, मैंने कहा कि उन लोगों को अपना नहीं समझते, वो सिर्फ बलूचिस्तान में वोट उनको दे के कोई वजीर आजम बनाए, कोई इनको सदर बनाए या कोई उनकी हुकूमतें बनाए, या तो आपके वो वसाइल हैं या साइल है, सिर्फ ये अहमियत क्या मिले। बड़े बड़े आंसू बहाता है, लेकिन जब हुकूमत उनके हाथ में आती है तो सबसे बड़े मिसिंग पर्संस के मामलात में उनकी खामोशी और उनका मुलविस होना जो है वो नंबर एक पे आते हैं। और बिलखसूस जो आपकी ये जिसको केयर टेकर, जिसको मैं अंडर टेकर हुकूमत कहता हूँ, जब से वो वजूद में आई है उसने तो मिसिंग पर्संस के वर्साओं से और या किसी ने भी उनके साथ हमदर्दी भी का इजहार किया है, एहतजाज में शरीक हुए, उस पर भी कदोगन लगाई गई है। अब लोगों को मिसिंग करना यहाँ पे जुर्म नहीं है, उनको बाजियाब कराने के लिए एहतजाज करना जो वो जुर्म साबित है, उसकी एफआईआर कट रही है। जो एहतजाज करते हैं उनके वर्सा या पॉलिटिकल पार्टियां या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है ना उनके उस इकदाम के खिलाफ एहतजाज करते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर काटी जाती है। लेकिन वर्सा जब अपने कोई बेटे, अपने भाई या अपने वालिद के अगवा के खिलाफ एफआईआर काट करने के लिए जाता है तो उसकी जो है सुनवाई नहीं होती। तो इसका मतलब कि वो जो ताकतवर कुवतें हैं जो इस गुनाह में मुलविस हैं, उनको ये छूट दी गई है और उनको ये हक दिया गया है कि वो जिस किसी को चाहे अगवा कर ले। ऐसे ही मुल्क को या ऐसे ही कानून को जो है अंधा कानून कहा जाता है। अच्छा सर, आपकी बात मैं काट रहा हूँ। अब ये सारी सूरत हाल, मिसिंग पर्सन, इसके अलावा भी बहुत सारे मसाले बलूचिस्तान के, तो अक्सर यही देखा गया कि जी वफाक काबिज हो गया या वसाइल पे या कुछ भी है, मसाइल हल नहीं करना। तो मेरा सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि जी वफाक बलूचिस्तान के लिए मसला है या खुद बलूचिस्तान पर वफाक के लिए मसला है? देखिए, हम बलूचिस्तान को एज ए बलूचिस्तान देखते हैं, उसमें बसने वाले अकवाम, उसमें बसने वाले कबाइल और बोलने वाली उस जबान, इसको हम बलूचिस्तान समझते हैं। वफाक या वफाकी इदारे बलूचिस्तान के वसाइल, बलूचिस्तान की माली दौलत और बलूचिस्तान की जमीन को सिर्फ बलूचिस्तान समझते हैं, यही फर्क है। उनके नजदीक ग्वादर की अहमियत है लेकिन ग्वादर में बसने वाले लोगों की कोई अहमियत नहीं। उनके नजदीक सेंदक और रेकोडेक में के जमीन से उगलने वाला सोना, तांबा, उसकी अहमियत है लेकिन वहां पर लोग भूख, अफलास और प्यास से मर रहे हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं। वो माइंडसेट है और वो माइंडसेट हमेशा नो आबाद